ट्वेल्व को खत्म हुए काफी लंबा टाइम बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद स्प्लिट्सविला ट्वेल्व के कंटेस्टेंट्स अभी भी सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। स्प्लिट्सविला ट्वेल्व में नजर आए कई कंटेस्टेंट्स सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पॉपुलर है और उनसे जुड़ी खबरें जानने के लिए फैंस हमेशा ही बेताब रहते हैं। स्प्लिट्सविला ट्वेल्व में नजर आए पीयूष शर्मा भी अपनी लव लाइफ को लेकर आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। स्प्लिट्सविला के दौरान पीयूष शर्मा का नाम अर्शिया के साथ जुड़ा था। अर्शिया के लिए स्प्लिट्सविला में पीयूष शर्मा ने पूरे विला से दुश्मनी मोल ले ली थी। हालांकि इस शो के दौरान पीयूष शर्मा का नाम अहाना से भी जुड़ा था, लेकिन अंत में पीयूष शर्मा ने अर्शिया को ही चुना। पीयूष शर्मा ने शो के खत्म होने के बाद भी अर्शिया के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया, हालांकि ये रिलेशनशिप ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। अर्शिया और पीयूष शर्मा का कुछ समय बाद ही ब्रेकअप हो गया और ये ब्रेकअप कुछ इस तरह हुआ कि दोनों ने एक दूसरे की शक्ल ना देखने का फैसला कर लिया। पीयूष शर्मा ने अपने कई इंटरव्यूज में कहा है कि वो अर्शिया की शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। ये हैरानी की बात है कि जिस अर्शिया के लिए वो पूरे सीजन लड़ते रहे, उस अर्शिया की अब वो शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। वहीं स्प्लिट्सविला 12 के दौरान जिस लड़की से वो पूरे टाइम लड़ते नजर आए, यानी कि मायशा अय्यर, अब उनके साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मायशा अय्यर और पीयूष शर्मा बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी चीजें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। पीयूष शर्मा अक्सर अपने इंस्टा स्टोरी पर मायशा अय्यर की फोटोज शेयर करते हैं, जिससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों के बीच में काफी स्ट्रांग बॉन्ड है। दोनों ही इंस्टा स्टोरी पर लाइव करते भी नजर आते हैं और पीयूष शर्मा कई बार कह चुके हैं कि मायशा अय्यर उनकी बहुत अच्छी दोस्त है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि शो खत्म होने से लास्ट 3 डेज पहले ही मायशा अय्यर के साथ में उनकी दोस्ती हो गई थी और उन्हें रियलाइज हुआ कि जैसा वो मायशा के बारे में सोचते थे, मायशा बिल्कुल भी वैसी नहीं है, बल्कि वो तो उससे बिल्कुल ही अपोजिट है, जिस वजह से मायशा के साथ में उनकी बाद में अच्छी दोस्ती हो गई और ये बॉन्ड अब तक चला नजर आ रहा है। दोनों ही एक दूसरे की फनी फोटोज भी सोशल मीडिया पर अक्सर शेयर करते नजर आते हैं। अब इससे तो साफ पता चलता है कि रियलिटी शोज में बने रिश्ते अक्सर सच नहीं होते हैं। आप ही देख लीजिए, जहां रियलिटी शोज में अर्शिया के साथ में पीयूष शर्मा अपना फ्यूचर देख रहे थे, वहीं अब शो खत्म होने के बाद वो उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। जबकि मायशा अय्यर के साथ में शो में उनके कुछ खास रिश्ते नहीं थे, हमेशा ही दोनों आपस में लड़ते नजर आते थे, लेकिन बावजूद इसके शो खत्म होने के बाद पीयूष और मायशा के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। वैसे मायशा और पीयूष की बॉन्डिंग के बारे में आपका क्या कहना है, आप भी हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल क्रिस्क्रॉस इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।